नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बनरिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। खबर वाराणसी से है। जगमबाड़ी मठ का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम कल से मठ में 38 दिवसीय समारोह का आगाज होगा। 16 फरवरी को कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी भी करेंगे समारोह में शिरकत। 18 जनवरी को सीएम योगी भी करेंगे समारोह में शिरकत। कल से मठ में 38 दिवसीय समारोह का आगाज। 16 फरवरी को कार्यक्रम में शिरकत करेंगे खुद पीएम मोदी। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी भी करेंगे समारोह में शिरकत। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। 18 जनवरी को सीएम योगी भी करेंगे समारोह में शिरकत। जगमबाड़ी मठ का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम कल से मठ में 38 दिवसीय समारोह का आगाज। 16 फरवरी को कार्यक्रम में पहुंचेंगे पीएम मोदी। 18 को करेंगे सीएम योगी शिरकत। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी भी रहेंगे कार्यक्रम में, करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। 18 जनवरी को सीएम योगी भी करेंगे समारोह में शिरकत। कल से मठ में 38 दिवसीय समारोह का आगाज। 16 फरवरी को कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी भी करेंगे समारोह में शिरकत। 18 जनवरी को सीएम योगी भी पहुंचेंगे। जगमबाड़ी मठ का शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में 38 दिवसीय समारोह का आगाज। कल से मठ में 38 दिवसीय समारोह चलेगा और 16 फरवरी को कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करेंगे, जबकि रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी भी समारोह में शिरकत करेंगे। 18 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हमने लिया है, तो उनके करकमलों द्वारा वीरशैव महाकुंभ का समापन समारंभ होगा। 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हमने लिया है तो और सुजीत पटेल हमारे साथ, हमारे संवाददाता सुजीत, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? सुजीत, शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की तैयारियां कैसी चल रही हैं? पीएम मोदी का भी खासतौर पर आगमन हो रहा है शताब्दी वर्ष पर। जी बता रहे, शताब्दी वर्ष जो होना है जगमबाड़ी मठ में, और यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है 18 तारीख को, फिर रेल राज्य मंत्री को आना है, फिर 16 फरवरी को जो प्रधानमंत्री आएंगे इसके समापन में, और प्रधानमंत्री को आने के लिए तो बहुत है। और बताते चले आपको कि यहाँ कर्नाटक के भी कई मंत्री यहाँ आएंगे और कर्नाटक वहां के मुख्यमंत्री भी आएंगे, और इसको लेकर लोगों को जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जो निमंत्रण भेजा है, इन लोगों से कहने बात हुई तो इनका कहना है कि मुख्यमंत्री भी आएंगे और प्रधानमंत्री भी आएंगे। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और सबसे खास बात है कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं। कल से मठ में 38 दिवसीय समारोह का आगाज हो जाएगा। शताब्दी वर्ष 38 दिनों तक मनाया जाएगा। 16 तारीख को खुद पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, जबकि 16 जनवरी को पहुंचेंगे पीएम मोदी, 18 जनवरी को पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल मुरादाबाद के दौरे पर आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 4 दिवसीय प्रवास के लिए मुरादाबाद में पहुंचेंगे। उत्तराखंड मेरठ और ब्रज प्रांत के प्रचारकों के साथ भी बैठक होगी। 18 जनवरी को मकर संक्रांति कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे। मोहन भागवत के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। सिविल लाइन के MIT कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित होंगे। उत्तराखंड मेरठ और ब्रज प्रांत के प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। 18 जनवरी को मकर संक्रांति कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सरसंचालक। मोहन भागवत के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सिविल लाइन के MIT कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित होंगे। कल मुरादाबाद के दौरे पर आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। उत्तराखंड मेरठ और ब्रज प्रांत के प्रचारकों के साथ में बैठक करेंगे। 18 जनवरी को मकर संक्रांति कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे सरसंचालक। सिविल लाइन के MIT कॉलेज में आयोजित होंगे कार्यक्रम। चार दिवसीय प्रवास के लिए मुरादाबाद पहुंचेंगे मोहन भागवत। उत्तराखंड मेरठ ब्रज प्रांत के प्रचारकों के साथ में करेंगे बैठक। 18 जनवरी को मकर संक्रांति कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
कल मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। 4 दिवसीय प्रवास उनका मुरादाबाद में रहेगा। मुरादाबाद में संघ संचालक उत्तराखंड मेरठ और ब्रज प्रांत के जो प्रचारक हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। 18 जनवरी को उसके बाद मकर संक्रांति कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और यही उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है अभी तक। लेकिन मोहन भागवत के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। 4 दिवसीय उनका दौरा रहेगा, मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। सिविल लाइन के MIT कॉलेज में कार्यक्रम तमाम आयोजित होंगे। अंकित शर्मा है हमारे साथ, हमारे संवाददाता अंकित, मोहन भागवत के आगमन को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बता दूं, कल मुरादाबाद मोहन भागवत मुरादाबाद पहुंचेंगे MIT कॉलेज में और वहां पे 4 दिवसीय इनका प्रोग्राम है जो कि यहां मुरादाबाद में पहुंचेंगे और इसको लेके पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जगह जगह टेंट लगा दिए गए हैं और जगह जगह उनका स्वागत समारोह भी किया जाएगा मुरादाबाद में। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। जगह जगह पर उनके स्वागत तैयारियां भी हैं। इसके अलावा MIT कॉलेज में उनके तमाम कार्यक्रम आयोजित होंगे। उत्तराखंड मेरठ और ब्रज प्रांत के जो प्रचारक हैं उनके साथ में भी उनकी मुलाकात होगी, बैठकें होंगी। मायावती पर बरसे हैं कैबिनेट मंत्री सतीश महाना। सतीश महाना ने BSP सुप्रीमो को बताया क्लोज चैप्टर। मायावती का यूपी की राजनीति में अब कोई स्थान नहीं है। मीडिया से भी रिक्वेस्ट, क्लोज चैप्टर को बढ़ावा ना दें। क्या कह रही हैं और मायावती ये क्लोज चैप्टर है यूपी की राजनीति का, वो अपना नाम लोग लें इसीलिए करते हैं। और पत्रकार मित्रों से मेरा निवेदन है कि जो चैप्टर क्लोज हो गया उसका नाम मत लें। मायावती जी क्या कह रही है? तो देखिए, सतीश महाना ने BSP सुप्रीमो के ऊपर इस बार बड़ा तीखा हमला किया है। उनका कहना है कि मायावती का यूपी की राजनीति में अब कोई स्थान ही नहीं है, वो एक क्लोज चैप्टर है और मीडिया से भी रिक्वेस्ट की उन्होंने कि इस क्लोज चैप्टर को बढ़ावा ना दे। मायावती पर बरसे हैं कैबिनेट मंत्री सतीश महाना। सतीश महाना ने बसपा सुप्रीमो मायावती को क्लोज चैप्टर तक करार दिया और कहा कि क्लोज चैप्टर को मीडिया भी बढ़ावा ना दे। मीडिया से रिक्वेस्ट, क्लोज चैप्टर को ना दे बढ़ावा। मायावती पर बरसे हैं कैबिनेट मंत्री सतीश महाना और उनके ऊपर वार करते हुए साफ तौर पर कहा कि सतीश महाना ने वो क्लोज चैप्टर है और उन्हें बढ़ावा ना दिया जाए। और मायावती ये क्लोज चैप्टर है यूपी की राजनीति का, वो अपना नाम लोग लें इसीलिए करते हैं। और पत्रकार मित्रों से मेरा निवेदन है कि जो चैप्टर क्लोज हो गया उसका नाम मत लें। मायावती जी क्या कह रही हैं? और मायावती ये क्लोज चैप्टर है यूपी की राजनीति का, वो अपना नाम लोग लें इसीलिए करते हैं। और पत्रकार मित्रों से मेरा निवेदन है कि जो चैप्टर क्लोज हो गया उसका नाम मत लें। घाघरा नदी का नाम सरयू करने पर अयोध्या के संतों ने स्वागत किया है। अयोध्या के संतों ने CM योगी आदित्यनाथ का आभार भी प्रकट किया। जगत गुरु स्वामी दिनेशाचार्य का बयान, CM योगी ने अयोध्या के गौरव को बढ़ाया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा अयोध्या के संतों की पुरानी मांग पूरी हुई। बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने भी प्रतिक्रिया दी। CM योगी ने एक बार फिर से अयोध्या की गरिमा को लौटाया है। और राघवेंद्र शुक्ला है हमारे साथ ब्यूरो हमारे। राघवेंद्र, लंबे समय से मांग थी नाम सरयू हो, आखिरकार नाम सरयू हुआ तो चारों तरफ से इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से घाघरा नदी का नाम सरयू हुआ है वैसे ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सिर्फ जो अयोध्या के पास से बहने जो नदी है, चूंकि रामचरितमानस में भी इसका वर्णन किया गया है कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन उत्तर दिश सरयू तहां पावन, यानी उत्तर दिशा में बहने वाली सरयू नदी के किनारे अवध पूरी बसी हुई है। भले ही अन्य जगहों पर इसका नाम घाघरा नदी रहता था लेकिन सरयू का अपने आप में बड़ा महत्व माना जाता था। ऐसे में जब मुख्यमंत्री के प्रयास से जब केंद्र सरकार ने कैबिनेट के दौरान घाघरा का नाम सरयू कर दिया है, ऐसे में जहां हिंदू समाज पूरी तरीके से उत्साहित दिखाई दे रहा है वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आभार व्यक्त किया है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, बजरंग दल और भी अन्य तमाम सारे मतलब राघवेंद्र, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि राम मंदिर पर आए पॉजिटिव फैसले के बाद में
अब इसे बिल्कुल एक राम नगरी के तौर पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। जैसा जैसा जिक्र रामचरितमानस में है वैसा वैसा ही रामनगरी को बसाने की कोशिश की जा रही है, वो चाहे सरयू की बात हो या राम मंदिर के अपने स्वरूप की। बिल्कुल, देखिए जो सरकार है इस समय चाहे वो सूबे में हो या केंद्र में हो, दोनों की स्ट्रेटजी रही है कि हिंदूवादी विचारधारा का जो है प्रयास बढ़े, उसका विस्तार हो, और निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं से इनका जो हर एक प्रयास है वह सार्थक दिशा में जा रहा है, और जो पुरानी अपनी भारतीय सभ्यता है, सनातन धर्म की सभ्यता है, उसको भी कहीं ना कहीं से बढ़ावा देखते हुए मिल रहा है, और लगातार ही इसकी शुरुआत एक एक करके जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही देश में अलग तरीके से दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अयोध्या के संतों की पुरानी मांग को पूरा किया गया है, घाघर नदी का नाम बदलकर अब सरयू कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी भी इस प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और सबने यही कहा कि सीएम योगी ने रामनगरी की के गौरव को लौटाने का काम किया है। जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, सिटी एसडीएम मालपानी ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में कई डॉक्टर गैर हाजिर मिले, इमरजेंसी में भारी तत्वों का जमावड़ा मिला। अस्पताल के खाने की गुणवत्ता में भी खामियां मिली। अस्पताल में खामियां देख एसडीएम ने जताई नाराजगी। एसडीएम मालपानी ने सीएमएस से रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आने के बाद होगी मामले पर कार्रवाई। खान सिंह का निरीक्षण किया गया, उचित निरीक्षण किया गया था, और निरीक्षण में जो महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं उसमें एक तो साफ़ सफाई की व्यवस्था पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। मेस में जो बिल्डिंग है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, और जो समय से खाना बनना चाहिए, तैयार होकर पेशेंट्स को पहुँचना चाहिए, उसके लिए हिदायत दी गई कि समय से पहुँचे, उसमें लेट हो रहा है। इसके अलावा दवाइयाँ तो स्टोर्स में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन इसका जो इशू का जो सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसको जिस तरह से उसको जारी किया जाता है उसी तरह उसको प्राप्ति का भी उसमें इंद्राज होना चाहिए, उसके लिए डॉक्टर साहब को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स और कुछ कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं, उसकी डिटेल्स है अलग से पास नोट। तो इमरजेंसी में कोई विशेष आज इशू नहीं रहा, एक व्यक्ति यहाँ पर बाहर से मिला था कोई, तो डॉक्टर साहब को मैंने निर्देशित किया कि उसके बारे में जाँच पड़ताल करें कि वो सज्जन इमरजेंसी में क्यों थे, एक बाहरी व्यक्ति थे जिनका वहाँ पर ना तो कोई पेशेंट था और ना ही उनका अपना कोई इशू था। बदायूं में पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 3 लुटेरे, एक लुटेरा पुलिस को चकमा देकर फरार, लुटेरों से तमंचा, कारतूस और 2 बाइक बरामद हुई हैं। शराब सेल्समैन से हुई लूटपाट से पर्दा उठा, तमंचों के बल पर लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था। शराब सेल्समैन से लूटपाट हुई थी, जिस मामले में पुलिस ने आखिरकार पर्दा उठाया। इस पूरे रात से तमंचों के बल पर लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया था। एक लुटेरा पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा, पुलिस के हत्थे चढ़े 3 लुटेरे। बदायूं से खबर है, शराब सेल्समैन के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसी मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, एक चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। लुटेरों से तमंचा, कारतूस और 2 बाइक भी बरामद हुई है। शराब सेल्समैन से हुई लूटपाट से पर्दा उठा आखिरकार। बागपत में कुरकुरे की आड़ में शराब की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने कैंटर से 400 पेटी शराब बरामद की है। 40 लाख रुपए शराब की कीमत बताई जा रही है। हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही थी शराब, मेरठ में होती शराब की सप्लाई, मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया शराब का ये पूरा कारोबार। कुरकुरे के पेटियों में छुपा कर ले जाई जा रही थी शराब। कल रात्रि आबकारी और उनकी बड़ौत की टीम के द्वारा ये कोताना मार्ग पे करीब 12 बजे एक कैंटर
संदिग्ध दिखने पर चेक की गई। इसमें कुरकुरों के पीछे करीब 400 पेटी शराब इसमें छुपा के हरियाणा मार्का, जिसमें पौए और बॉटल है, अंग्रेजी शराब थी, वो पकड़ी गई है बड़ौद पुलिस द्वारा और जिसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो पकड़ी गई है शराब, इसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये है। तो देखिए, मेरठ में शराब की सप्लाई होनी थी, कुरकुरे की जो पैकिंग थी, कुरकुरे की पैकिंग में शराब भर भर कर सप्लाई की जा रही थी, कुरकुरे की पेटियों में छुपाकर शराब ले जाई जा रही थी, लेकिन इसका भंडाफोड़ हुआ। कुरकुरे की आड़ में शराब की तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने कैंटर से 400 पेटी शराब की बरामद की है। हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही थी शराब, जिसका भंडाफोड़ हो चुका है। कुरकुरे की पेटियों में छुपाकर ले जाई जा रही थी शराब, कुरकुरे की आड़ में शराब की तस्करी का भंडाफोड़। मोहित हमारे साथ, हमारे संवाददाता है मोहित, कैसे खुलासा हुआ इस पूरे घटनाक्रम का? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से शराब की खेप पकड़ी गई है, तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा से लगा क्षेत्र है, वो हरियाणा से मार्क जिस तरह से लाई जा रही थी उत्तर प्रदेश में, तो पूरी तरीके से लगभग जो है 40 लाख रुपए की ये शराब की कीमत बताई जा रही है, और जो कि पूरी तरीके से यूपी में जो है जो तस्कर है वो पूरी तरीके से सक्रिय है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो कुरकुरे की आड़ में शराब की तस्करी का भंडाफोड़ पुलिस ने किया। पुलिस ने कैंटर से 400 पेटी शराब की बरामद कर ली है। हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही थी शराब, मेरठ में इस शराब की सप्लाई होनी थी, कुरकुरे की पेटी में शराब की पेटियों को छुपा कर रखा गया था, और जैसे पुलिस को इस बारे में सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत से छानबीन की, जिसके बाद में खुलासा हो गया और पुलिस को पता लगा कि कुरकुरे की आड़ में शराब की सप्लाई की जा रही है। गाजीपुर क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ, थाना गाजीपुर क्षेत्र के सेक्टर 25 के पास ये हादसा हुआ। पीएसी गाड़ी और टम्पर में भिड़ंत हो गई और हादसे में सभी लोग सुरक्षित हैं। तो ये डंपर और गाड़ी की भिड़ंत आप देख रहे हैं, थाना गाजीपुर क्षेत्र के सेक्टर 25 के पास में यह हादसा हुआ है। पीएसी गाड़ी और डंपर में भिड़ंत हुई। है हमारे साथ हमारे संवाददाता नीलेश, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है मौके पर? देखिए, पूरी घटना जो है गाजीपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 25 की है, जहां पर एक डाला और पीएसी की गाड़ी में भिड़ंत हुई है। भिड़ंत इतनी तेज थी कि डाला आधा पलट गया है। हालांकि पूरे मामले में, पूरी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि डाला से सवार लोगों को कुछ हल्की चोट आई है, और ये जो पुलिस पीएसी की गाड़ी की अगर हम बात करें, तो उसमें जो पीएसी के जवान सवार थे वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनको कोई चोट नहीं आई है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और पूरे मामले की जानकारी ले रही है कि आखिर घटना कैसे हुई थी। जो सेक्टर 25 का एरिया है वो पूरी तरीके से काफी व्यस्त रहता है, ऐसे में ये जो डाला है वो कैसे तेज रफ्तार में चल रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। और पीएसी की गाड़ी के सामने आमने सामने जब भिड़ंत हुई है, तो डाला कहीं ना कहीं रोड के किनारे जाकर टेढ़ा हो गया है, पलटते हुए बचा है। तो पूरी घटना की जानकारी पुलिस जुटा रही है, आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किसकी गलती है, ये तभी कह पाना संभव होगा। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए निदेश। टाटा कैंटर से 300 पेटी देसी शराब बरामद हुई। नमक की बोरियों की आड़ में ये शराब ले जाई जा रही थी। 10 लाख रुपए शराब की कीमत बताई जा रही है। शराब के साथ एक शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैंटर ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब रहा। कैंटर को स्कॉट कर रहे कार सवार भी फरार। अरुणाचल प्रदेश की बनी बताई जा रही है शराब। मिली थी कि ये कैंटर गाड़ी है, उसमें हरियाणा मार्केट की शराब जा रही है। इस सूचना पर गाड़ी पीछा किया गया था,
देखा गया कि उसकी गाड़ी के आगे एक सुविधा गाय चल रही थी जो उसको पायलट कर रही थी, और जब गाय रोका गया तो उसमें से एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, बाकी लोग कूद के भाग गए हैं। और जब कैंटर खोला गया तो उसमें 300 पेटी शराब, देसी शराब बरामद हुई है। ये करीब 14 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। ये रोमियो मार्का की शराब थी और ये अरुणाचल प्रदेश का लिखा हुआ उसमें कि बताया गया कि हरियाणा से लोड हुई थी और इसको यहीं मैनपुरी में खपना था कहीं पर। और ये दो लोग फरार हो गए हैं और सुझाई 3 अलग आदमी और थे जो रास्ता दिखा रहे थे, उनकी हम तलाश कर रहे हैं। मिली थी कि अंकित दुबे संवाददाता हमारे साथ है। अंकित, अभी क्या अपडेट है खबर पर? बिल्कुल, ये पूरा मामला मैनपुरी के कुराला थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर नमक की बोरी के बीच में शराब को छुपा कर ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है ये शराब तस्करों द्वारा ये शराब जो है वो अरुणाचल प्रदेश द्वारा लाई गई है। मैनपुरी जिले में पहले भी इससे पहले कई बार मैनपुरी पुलिस की सतर्कता के चलते ऐसी गैर प्रांतों की शराब बरामद की गई जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी हानिकारक है, जिसकी सप्लाई लगातार मैनपुरी में की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ में अंकित। देखिए, अभी हाल ही में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और लगातार हम देख रहे हैं देश से आपके चलते लोगों की जान जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे धंधे खूब फल फूल रहे हैं। पुलिस की धरपकड़ के जरिए कुछ टाइम के लिए इन पर रोक जरूर लगती है। खबर मैनपुरी से, कछुए की तस्करी का खुलासा हुआ। 628 कछुए सहित 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पिकअप से कुछ तस्कर इन कछुओं को ले जा रहे थे। गश्त के दौरान में दन्नाहार पुलिस ने इन्हें पकड़ा। पिकअप में 18 बोरे में रखे गए थे 628 कछुए। आरोपियों पर वन्यजीव अधिनियम के तहत केस दर्ज। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी महोदय के द्वारा ऑपरेशन सिकंजा एक चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस टीम निकल करके और संदिग्ध चीज़ों का को चेक करती है और अपराधियों पर पूर्ण रूप से सिकंजा कसने के फिराक में रहती है। इसी फिराक में जो थाना दन्नाहार की पुलिस भी निकली हुई थी, तब तक मुखबिर से एक सूचना मिली कि एक छोटा हाथी या लोडर जो गाड़ी होती है उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा कुछ वन्य जीवों को लाया जा रहा है जो कहीं ले जा करके उसको बेचने की फिराक में है। सूचना पर तेजी से सघन चेकिंग शुरू हुई और 2 अभियुक्त समेत 628 कछुए, जैसा कि काउंटिंग में पाया गया, ये अलग अलग बोरों में अपना भर करके उसको रखे हुए थे। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम। और अंकित लगातार बने। अंकित, अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? शायद हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बताएं, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रही हमारे साथ। नमस्कार।